मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दर्शक बंधु, ये भिडियो आपणकर मन थी जो हिंदू धर्मर आवेग को आहत कलाभली किसी शपथ पाठ करा पाखरे उपस्थित थिले आम आदमी पार्टी तथा दिल्ली सरकार का समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्रपाल गौतम। आज गौतम निज मंत्री पदर इस्तफा देइछंती। भगवान राम और कृष्ण का नाम जो पाप से करथिले दंडित होगा पड़ी। राजेन्द्रपाल गौतम रविवार निज पदर इस्तफा देइछंती। से इस्तफा सहित एक चिठी लिखिछंती। से कहिछंती उक्त घटना पर मुनिवादी मानसिकता लोके मते एवं मो परिवार को धमक देइछंती। मु पार्टी कर्मकनिष्ठ सिपाही मु निज समाज हक लड़ाई आगामी समय भी लड़ाई जारी रखी। मु चाहे ना मो कारण पार्टी छवि मलिन पड़ू। बुधवार विजय दशमी तिथि में केरलबाग स्थित राणी झाँसी रोड आम्बेदकर भवन में धर्मचक्र परिवर्तन दिन कार्यक्रम आयोजित होता। एथिरे लोकमाने केवल बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं नथिले बरं सेमान शपथ पाठ मध्य करथिले। राजेन्द्र उपस्थित में आयोजित बौद्ध धर्म महासभा हिंदू देवादेवी को अपमानित कराइथिला। हिंदू और बौद्ध मानक भितर थिबा भाईचारा को नष्ट करने को प्रचेष्टा कराइथिला। मंत्री गौतम को उपस्थित में हजार हजार लोक आगु को हाथ बढ़ाई शपथ ग्रहण करथिले। गोटे स्वर में रामकृष्ण को भगवान मानिबु नहीं किंबा केबे हेले सेमान को पूजा करिबु नहीं बोली कहिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने मनरे कोह और क्रोध को पचारे प्रश्न किए देव उत्तर आपण प्रश्नर बेसालीस मंच प्रश्नकाल सोमवार शुक्रवार राति 8:30। जय जगन्नाथ। चकाखी सबू देखुची। आमे लड़ू साधारण ओडिया न्यायर लड़ी। किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती। किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहबू रोक ठोक।